लखनऊ में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। सांसद संजय सिंह ने कहा कि बापू का नाम पूरी दुनिया में सत्य, प्रेम, अहिंसा और भाईचारे के रूप में जाना जाता है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में तो डबल इंजन की सरकार है और केंद्र सरकार भी, मोदी सरकार भी लगी हुई है, फिर भी लगातार अपराध हो रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। प्रदेश के जिन जिलों में अपराध हो रहा है वहां के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। न्याय के लिए मोदी जी की सरकार ने आरक्षण लागू किया है 10%, और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के हिसाब से पिछड़ों के लिए, वंचित समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो अब कहां बचा? पहले तो सवर्ण बिरादरी के लोग ये कहते थे कि भाई ये आरक्षण वाले हैं, हम गैर आरक्षण वाले हैं। अब तो उन्होंने आपको भी आरक्षण दे दिया, कह दिया कि हाँ भाई आर्थिक आधार पे जो सवर्ण पिछड़े हैं उनको भी हम आरक्षण देंगे। तो फिर न्याय की बात अगर आप कर रहे हैं तो न्याय के लिए जरूरी यह है कि जाति जनगणना हो, पता चले किसकी कितनी संख्या है, पिछड़ों की कितनी है, अनुसूचित जाति की कितनी है, अनुसूचित जनजाति की कितनी है, अपर कास्ट की कितनी है, सवर्णों की कितनी है। ये जानकारी ले लेने में बुराई क्या है?